नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 23 जुलाई को साल 2024-25 के एनुअल बजट को पेश किया गया, जिसके बाद लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली काफी नाराज होते हैं, क्योंकि टैक्सेस काफी बढ़ा दिए गए और बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जिस तरीके से भारत में ओवर टैक्सेशन किया जा रहा ये सही नहीं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है, अगर हम सिर्फ इस चीज को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो स्टेप है वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि भारत अपने दो बहुत ही बड़े दुश्मन से घिरा हुआ है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। अक्सर हमारे मीडिया वाले पाकिस्तान को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। और बीते कुछ सालों में चाइना किस तरीके से एक ग्लोबल सुपर पावर बन के निकला है, इस चीज को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। साथ में इस पूरे डिफेंस बजट का जो एक उपदेश है वो ये है कि किसी भी तरीके से भारत के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको बढ़ावा दिया जाए और बढ़ चढ़कर जो हम आर्म्स एम्युनिशन है वो उन्हीं से परचेस करें। ये जो 6.22 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है हमारे डिफेंस को, ये हमारे पूरे बजट का 2.9% है। अगर आप इसी चीज को बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप अधिक पैसे को डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी दूसरे सेक्टर का जो पैसा है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जब आप सरकार चलाते हैं या जब आप सरकार में होते हैं तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और आपका हर एक स्टेप के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। कहने का मतलब है कि अगर कल को किसी भी तरीके से कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम से अगर सरकार कोई पैसे को काटते हैं तो जो अपोजिशन वाले होते हैं वो बढ़ चढ़कर उसी चीज को दिखाएंगे कि सरकार ने इस सोशल स्कीम से इतने पैसे काट लिए हैं, लेकिन फिर वो ये नहीं बताएंगे कि किसी दूसरे स्कीम में सरकार ने पैसे डाले। तो कहने का मतलब है ये जो एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन लगाने का जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं एक दूसरे के ऊपर। आज सत्ता में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, कल सत्ता में कोई और पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। उसके बाद जो फोकस किया गया है वो बढ़ चढ़कर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की तरफ किया गया है, क्योंकि जो हमारा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, अगर आप उस तरफ देखेंगे तो एज कंपेयर टू भारत चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन इस चीज में भी कहीं से कोई दो राय नहीं है कि साल 2014 के बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है लद्दाख रीजन में या अरुणाचल वाले रीजन पे, या इनफैक्ट हम कह ले उन सभी रीजन में जहां से हमारा बॉर्डर लगता है चाइना के साथ में, जैसा कि हम सभी को पता है कि चाइना और भारत के बीच में एक बहुत बड़े एरिया को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसीलिए हम उसे LAC कहते हैं, जहां पे समय दर समय चाइना अधिक एरिया को क्लेम करता है और भारत उसके हर क्लेम को रिजेक्ट करता है। चाहे भारत हो या कोई और देश हो, वो अपने डिफेंस रिलेटेड मैटर को बहुत कम ही पब्लिक डोमेन में रखता है, जो कि समझ में भी आता है। और जहां तक बात किया जाए कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि सरकार ये कहे कि हम इस स्पेसिफिक ईयर के बाद जो भी हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम जो देश के मैन्युफैक्चरर्स है उनसे हम परचेस करेंगे। ये इसी साल के 8 में एक आर्टिकल है जहां पे आप देख सकते हैं कि आर्मी के द्वारा ये ऑफिशियली कहा गया है कि जो एम्युनिशंस रहेगा नेक्स्ट ईयर से यानी 2025-26 से, वो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स से हम उनसे खरीदें। तो आप एक एग्जांपल को मानिए कि आप एक लोकल आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे डालते हैं तो आपको वो अश्योरिटी मिलना चाहिए कि जो आप पैसे डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कोई बायर आके आपके सामान को परचेस करे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होते हैं उनका रोल काफी बढ़ जाता है, चाहे कोई एक प्राइवेट फर्म ही क्यों ना हो, लेकिन एक सर्टन परसेंटेज ऑफ अश्योरिटी आपको देना जरूरी होता है ताकि वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या वो प्राइवेट फर्म रहे उनको ये अश्योरिटी मिले कि हमारे पीछे सरकार की बैकिंग। और जहां तक बात किया जाए तो बीते कुछ सालों में जिंदल डिफेंस हो गया या अदानी डिफेंस हो गया, ये लोग काफी बढ़ चढ़कर भारत के वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि सरकार को जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं उसको भी प्रमोट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हर 5 साल में चुनाव होता है, चांसेस काफी हाई होते हैं कि सरकार दोबारा से चुन के ना आए। तो जब सरकार दोबारा से चुन के नहीं आते हैं तो जो प्रीवियस सरकार का कोई अच्छा काम भी होता है तो उसको जो नए सरकार होते हैं वो खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको एक बहुत ही बड़ा सेटबैक मिलता है। ये सिप्री के वेबसाइट से लिया गया आर्टिकल है जहां पे आप देख सकते हैं कि साल 2022-23 का डेट, जहां पे बताया गया है कि यूएसए अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 916 बिलियन खर्च किया है साल 2022-23 में। तो यहां से जो एक बहुत ही बेसिक बात हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है
कि आप खर्च तभी करते हैं जब आपके पास इनकम होता है, और पूरे ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट का 42% या लगभग इतना ही यूएस एक्सपोर्ट भी करता है। तो आप सोचिए कि अगर यूएस इतना बढ़ चढ़कर पैसे खर्च कर रहा, तो कहीं ना कहीं यूएस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि दुनिया में पीस एंड प्रोस्पेरिटी डेवलप हो। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है चाइना के साथ, जहां पे साल 2022-23 में वो 296 बिलियन खर्च किया है, और अगर भारत का बात किया जाए तो 83.6 हम लोगों ने खर्च किया है। तो कहने का मतलब है कि शांति की बातें करना तभी अच्छा है जब आप बहुत मजबूत होते हैं, और साथ में इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे दुश्मन देश हैं उसका क्या अप्रोच है। अगर चाइना किसी भी तरीके से अपने डिफेंस को मजबूत करेगा और हम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा गलती करेंगे। और आज के डेट में जो चाइना है वो अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर लिया है कि उसका जो एक्सपेंशन है उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और जहां तक बात किया जाए सऊदी अरेबिया के बारे में, तो लगभग कुछ 90% जो वेपन सऊदी अरेबिया अपने देश में इंपोर्ट करता है वो मेड इन यूएसए होता है, और बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया इजराइल से भी परचेस करता है। इसीलिए बहुत कम स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे जहां पे सऊदी अरेबिया इजराइल के अगेंस्ट में कुछ कहता है। तो ओवरऑल अगर आप चीजों को देखना चाहें, समझना चाहें, तो डिफेंस में इन्वेस्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना ये नीड ऑफ द आवर है, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब हम ये सुनते हैं कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी को भारत के डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है, तो वहां पे भी अलग अलग सेपरेशन होते हैं पैसे का कि आप किस तरीके से पैसे को खर्च करेंगे। तो अगर किसी भी सिचुएशन में जो आर्मी होते हैं अगर उनका मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट में भी पैसे खर्च होते हैं, तो उस मूवमेंट के लिए भी कुछ स्पेसिफिक पैसे एलोकेट किए गए हैं। वैसे ही कुछ किए गए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो सपोज दैट आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी को आप रन करते हैं, तो जब आप उस टेक्नोलॉजी को रन करते हैं तो उसके पीछे का भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। लोग होते हैं, मैन पावर होता है उस टेक्नोलॉजी को रन करने का, उसका भी एक अपना फ्यूल होता है। तो इन सभी चीजों को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक गाड़ी है और मैं उस गाड़ी को इन्हेंस करना चाहता हूं ताकि जो मेरा हर रोज का इनकम है वो बढ़े, तो इसका मतलब होता है कि मैंने अपने इनकम में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब कुछ बेसिक डेफिनेशन होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। फिर बहुत बार क्या होता है कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस अलग अलग टाइप के एनजीओ से मिलके वो सोसाइटी के लिए वेलफेयर प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे कि ब्लड कैंप हो गया या अवेयरनेस कैंपेन हो गया, साथ में जो हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है उनके लिए पेंशन का भी स्कीम होता है। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि ये 6.22 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट ना दिखे, लेकिन साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भारत का जीडीपी क्या है और हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब हम इन सब बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बात का और ध्यान रखा जाए कि जितना रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उतना ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं। कुछ मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, वो एक्सक्लूसिव उनका राइट होता है, लेकिन उसके अलावा भी एग्रीकल्चर हो गया या स्टेट का एजुकेशन हो गया, इन सब के ऊपर जो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। बीते कुछ सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स बाहर निकल के आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी इच्छुक हैं डिफेंस इंडस्ट्री में काम करने के लिए या स्पेसिफिकली देश के लिए काम करने के लिए, लेकिन आप समझिए कि अगर कोई स्टार्टअप भी होता है तो उसको भी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अश्योरिटी चाहिए होता है, क्योंकि जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपके पास जो सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है पैसे की। अगर आप किसी को सैलरी नहीं देंगे तो कोई लोग आपके पास आके काम नहीं करेंगे। तो भले ये सब चीज काफी छोटे छोटे बात लग सकते हैं सुनने में, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करें, मीटिंग्स करें और उनको इनकरेज करें कि इवन अगर आप फेल भी हो जाते हैं फिर भी आपको एक सर्टन परसेंटेज ऑफ जो पैसा है, कैपिटल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देंगे। और साथ में अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से हमारे डिफेंस रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है या इनफैक्ट यूएसए और इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, वो ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी देश 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता है, लेकिन एक अटेम्प्ट हम कर सकते हैं कि हम कितना ज्यादा अपने पे डिपेंडेंट हो सकते हैं और जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स रहे उनको हम किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।